दोस्तों आर्टिकल 370 को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो गया और बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मारपीट की जिसके फोटोज वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं आखिर ऐसा क्या हुआ की विधानसभा के अंदर मारपीट होने लगी इस बारे में जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखे दोस्तों लेंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया बैनर पर लिखा था हम अनुच्छेद 370 और 35 ए की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं खुर्शीद अहमद के बैनर लहराने के बाद से ही बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया लेकिन बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला सिर्फ यही नहीं थमा पहले सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी बीजेपी विधायकों ने की और फिर बीजेपी विधायक एक एक करके सदन के वेल से होते हुए खुशी अहमद के पास पहुंच गए और उनके हाथ से बैनर छीन लिया फिर सत्ता पक्ष के विधायक भी आ गए दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की होने लगी इसी दौरान बीजेपी विधायक ने विशेष दर्जा प्रस्ताव वापस लो के नारे लगाए और साथ ही उस बैनर को फाड़ दिया दरअसल दोस्तों 6 नवंबर को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया इस पर कहा गया राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटिया महत्वपूर्ण है ये जम्मू कश्मीर की पहचान कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है विधानसभा इसे एक हटाने पर चिंता व्यक्त करती है भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए इसके बाद बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35 ए को वापस नहीं ला सकती विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने 5 नवंबर को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया शर्मा ने कहा कि जब एल के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया यह भी कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी भी फाड़कर वेल में फेंक दी और इसी दौरान स्पीकर इस हाई हाई और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे बीजेपी के विधायक लगाने लगे हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई और प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ इस प्रस्ताव को बहुमत मिला और उसे पास कर दिया गया बीजेपी के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर ने कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाइए जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया खुर्शीद अहमद शेख पर भी आतंकी फंडिंग का आरोप लगाया दरअसल दोस्तों बैनर लहराने वाले विधायक खुर्शीद अहमद शेख बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में यू के तहत अरेस्ट किया गया था और दो हजार से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है जिसके बाद उनके भाई पर आतंकी फंडिंग का आरोप लगाया बीजेपी विधायकों ने लेकिन आर्टिकल तीन की बहाली पर बीजेपी विधायकों ने जो हंगामा किया

सभा ने अपना काम कर दिया है जिसके बाद बीजेपी विधायकों के हंगामे जो हो रहे थे वेल में घुस कर हाथापाई पक्ष के विधायकों के साथ कर रहे थे इसके बाद विधानसभा की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई लोगों का कहना है कि जिस आर्टिकल तीन आर्टिकल 370 का जो प्रस्ताव है वो बहुमत के साथ पास किया गया वो ठीक था अगर बीजेपी विधायकों को विरोध करना ही था तो वो नारेबाजी करते लेकिन विधानसभा में इस तरीके से नेता पक्ष के साथ हाथापाई करना से अच्छी बात नहीं है फिलहाल बीजेपी विधायकों की इस हरकत पर और आर्टिकल 370 पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा